मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर कंप्यूटर टीचर किंजल सानिंदिया। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपको पसंद है ना प्रैक्टिकल करना लैब में जाके, मगर आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, बिकॉज थ्योरी पढ़ने से ही तो कंप्यूटर की जानकारी मिलेगी। और आजकल टेक्नोलॉजी थ्रू ही तो हम ये सब कार्य करते हैं। आप घर बैठे ही स्टडी करते हैं कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू, एम आई राइट? तो उनसे क्या होगा, आपको स्कूल भी नहीं आना होगा और हम सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे। तो ये सब हम टेक्नोलॉजी थ्रू करते हैं ना, तो कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है। लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, नो योर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये तीन टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट? तो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, विच हेल्प अस टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। हमारे सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर देता है कंप्यूटर। इट कैन वर्क क्विकली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। कोई भी मिस्टेक किए बिना वो स्पीड में हमें कार्य करके देता है। इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का अब वो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम मैन। कंप्यूटर के कई सारे फीचर्स होते हैं, वो इंसान से उसे अलग बनाते हैं। वो कौन से हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी पूरे ध्यानपूर्वक कार्य करना। हम कुछ भी कार्य करते हैं ध्यान से करते हैं, मगर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएंगी। बट कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सेकेंड है स्टोरेज। हम अपने दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं, कोई बात हो या तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हमारे साथ हुई है, वो तो एक ना एक दिन हम वो भूल जाएंगे। मगर कंप्यूटर में आपने कोई फाइल, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है तो वो कभी भी नहीं भूलेगा, वो स्टोर करके रखेगा। देन थर्ड वन इज़ कंप्यूटर प्रोसेस। हम कंप्यूटर के जितनी स्पीड में वर्क कर ही नहीं सकते, कभी ना कभी तो हम थक जाएंगे, मगर कंप्यूटर कभी भी नहीं थकेगा। नेक्स्ट है स्पीड। कंप्यूटर जितनी स्पीड में कार्य करता है उतनी स्पीड में हम कभी भी कार्य नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कंप्यूटर इज मशीन और हम तो कोई मशीन नहीं है, हम तो इंसान हैं, राइट? देन फीलिंग्स। आपको आपका फ्रेंड या तो आपके कोई फैमिली मेम्बर कुछ भी करे, टच करे या तो फिर आपको पिंच करे, तो आपको दर्द होगा या तो आपको फील आएगा। कंप्यूटर को आप टच करो या पिंच करो तो उसे कोई फील नहीं होगी, बिकॉज वो तो एक मशीन है, ओके? देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे तो ही आप काम करोगे, ऐसा नहीं है। आप अपना दिमाग चलाकर भी काम कर सकते हो, मगर कंप्यूटर में क्या होता है, उसे आपको इंस्ट्रक्शन देता है। इट वर्क ऑन अवर इंस्ट्रक्शन, राइट? देन नेक्स्ट है डिसीजन। डिसीजन में क्या है, कंप्यूटर अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता है कि ये करना है कि वो करना है, हमें उससे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी तभी तो वो कार्य कर पाएगा। मगर हमें कोई डिसीजन नहीं देता है, हमें तो अपने हिसाब से ही काम करना कार्य करना पड़ता है, ओके? ये क्या थे फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। कंप्यूटर के कई सारे टाइप्स एंड कई सारे साइज होते हैं। फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। अ कंप्यूटर विच वी कीप ऑन अ डेस्क और टेबल इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो हमारे टेबल पे और डेस्क पे होता है वो कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो हमारी लैब में है हम यूज़ करते हैं वो क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें क्या क्या होता है, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ओके? तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। नेक्स्ट लैपटॉप। लैपटॉप इज स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी कैप्ट ऑन योर लैप, ओके? लैपटॉप स्मॉल होता है,
Then it works with the help of battery that can be charged with electricity. तो लैपटॉप को हम चार्जर के थ्रू चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए. द स्मॉलर मॉडल ऑफ लैपटॉप इज कॉल्ड अ नोटबुक. स्मॉलर मॉडल लैपटॉप को क्या भी बोलते हैं, नोटबुक टाइप होता है. ओके, ये था लैपटॉप. नेक्स्ट है टैबलेट. तो आपने देखा ही होगा टैबलेट कंप्यूटर इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर. वो कौन सा कंप्यूटर है? पोर्टेबल. इट इज बिगर देन स्मार्टफोन एंड हैज अ टच स्क्रीन. जो हमारा फ़ोन होता है स्मार्टफोन, उनसे थोड़ी सी बड़ी साइज होती है और उस हमें टच स्क्रीन होती है टच भी कर सकते हैं. वी कैन यूज़ अवर फिंगर और स्पेशल पेन टू यूज़ इट. कोई स्पेशल पेन होती है उसे आप और यूज़ कर सकते हैं और फिंगर से भी आप टच कर सकते हैं. ये था टैबलेट. अब नेक्स्ट है स्मार्टफोन. अ मोबाइल फोन विच प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटी इज कॉल्ड स्मार्टफोन. जो कंप्यूटर प्रोवाइड्स करते हैं फैसिलिटी, वो मोबाइल फ़ोन भी हमें प्रोवाइड्स कर सकता है. वो स्मार्टफोन तो आप सभी का फेवरेट है. स्मार्टफोन से आप क्या कर सकते हो? गेम खेलते हो, यूट्यूब करते हो, राइट? तो ये तो आपका फेवरेट हुआ. द साइज़ ऑफ द स्मार्टफोन इज स्मॉलर देन अ टैबलेट. जो टैबलेट होते हैं उनसे क्या होता है, ये स्मार्टफोन थोड़े से छोटे होते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ कंप्यूटर. अब हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमें उसके यूजेज भी पता होने चाहिए, है ना? तो हम उसके यूजेज भी अब देखेंगे. द कंप्यूटर्स आर यूज टू ड्रॉ एंड पेंट. हम लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं ना कंप्यूटर में, कुछ ना कुछ हम बनाते हैं सेप के थ्रू और या तो फिर ब्रशेस टूल के थ्रू पेंट में पेंटिंग करते हैं. देन प्ले गेम्स. आप लोग कंप्यूटर में गेम्स भी खेलते होंगे. ओके, देन राइट लेटर्स एसे एंड स्टोरीज. हम उसमें टाइपिंग करते हैं तो क्या क्या करते हैं? लेटर्स टाइप करते हैं, से टाइप करते हैं, स्टोरीज टाइप करते हैं. ओके, वॉच मूवी एंड लिसन टू म्यूजिक. आप उसमें मूवी एंड म्यूजिक भी सुन सकते हैं ना. देन डू सम्स. वो मशीन है तो उसमें कैलकुलेटर के भी कुछ ना कुछ थिंग्स होंगी तो उसमें हम सम्स भी कर सकते हैं. डू अवर होमवर्क. आप अपना होमवर्क भी कंप्यूटर में कर सकते हैं. क्या था यूजेज ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के कई सारे यूजेज है, उसमें तो ये जो आप हम जनरली करते हैं वो था. तो हो गया, ये समझ में आ गया. हमने तीन टॉपिक कवर किए. कौन कौन से? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर. ओके एवरीवन, अब मैं आपको ये चैप्टर्स का होमवर्क आपको घर पे दूंगी. वो आपको करना है अच्छे बच्चे बनके. ओके, कर लोगे ना? थोड़ा सा ही दूंगी. कंप्यूटर में तो हम ज़्यादा वर्क लोड होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल होता है और थोड़ा सा होमवर्क होता है. वो सारे बच्चे अच्छे हैं और वो कर लेंगे. ओके एवरीवन, थैंक यू. स्टे होम एंड स्टे सेफ. ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.